यह आपका पार्ट टू है। जो पहला पार्ट आपको मैकेनिकल सिस्टम फ्रिज का पूरा मैकेनिकल सिस्टम पहला पार्ट आपको बताया गया, जो वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगा। यह आपका देखो दूसरा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी कि सिंगल डोर फ्रिज का वायरिंग डायग्राम है ये, फिर डबल डोर का, ऑटोमेटिक फ्रिज का, सारा कुछ धीरे धीरे आगे आपको डालते जाएंगे वीडियो। ये आपको घरेलू फ्रिज जितना भी रहता है सिंगल डोर का, लगभग लगभग सही में आपको यही वायरिंग डायग्राम रहता है। ये अगर वायरिंग आप जान लेते हैं तो लगभग लगभग सही फ्रिज में आप वायरिंग कर लीजिएगा सिंगल डोर में। तो सबसे पहले मेन सप्लाई सारा जो चीज़ सिंगल डोर में इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको जो भी सामान लगता है, ये पहला आपका मेन पावर सप्लाई हो गया, दूसरा बल्ब हो गया, डोर स्विच हो गया, थर्मोस्टेट हो गया, एक ओएलपी भी रहता है तो ओएलपी भी दे सकते हैं, ओएलपी। और उसके बाद रहता है कंप्रेसर। तो माइनस वोल्ट सबसे पहले कनेक्शन करते हैं, एक माइनस प्लस एक ले लेते हैं। ये मेन पावर सप्लाई बना दीजिए जहाँ 220 वोल्ट एसी देते हैं। ये तो आपको बॉडी अर्थ हो गया, ये आपका बॉडी अर्थ हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वोल्ट लेते हैं। पहला नेगेटिव वोल्ट ले लेते हैं, किसी को भी नेगेटिव पॉजिटिव आप एसी वोल्ट मान सकते हैं, डीसी वोल्ट में नेगेटिव पॉजिटिव को देखा जाता है। अब यहाँ से एक नेगेटिव वोल्ट ले लेते हैं, जहाँ जहाँ नेगेटिव वोल्ट की जरूरत रहेगा वहाँ दे देंगे। बल्ब है जैसे, इसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वोल्ट मिलना चाहिए, उसके बाद जलेगा। कंप्रेसर है, नेगेटिव पॉजिटिव वोल्ट मिलेगा तब जाके चलेगा। तो नेगेटिव वोल्ट यहाँ से लेते हैं, इसको बल्ब के एक सिरा दे देते हैं, और यहीं से कंप्रेसर के एक सिरा दे देते हैं, यानी कि नेगेटिव वोल्ट जो लिए हैं बल्ब के एक सिरा में, वहीं से कंप्रेसर के एक सिरा दे दिए ब्लैक वाला वायर। दोनों जगह दे दिए। अब पॉजिटिव वोल्ट लेते हैं, पॉजिटिव वोल्ट लेने के बाद कच्चे करेंगे उसको, जहाँ जरूरत रहेगा सबसे पहले वहाँ हम दे देते हैं। पॉजिटिव वोल्ट लिए यहाँ से, उसको दो जगह दे देते हैं। ये माइनस वोल्ट भी दो जगह गया, एक बल्ब पे एक कंप्रेसर पे। इसको कच्चे करेंगे, एक डोर स्विच पे दे देंगे, वहीं से थर्मोस्टेट स्विच पे दे देंगे। यानी कि पॉजिटिव वोल्ट रेड वाला वायर जो लिए हैं उसको डोर स्विच पे और थर्मोस्टेट स्विच पे, दोनों पर दे दिए हैं। अब डोर स्विच का चीज काम होता है, हमेशा ये फ्रिज के गेट के पास लगा होता है। गेट के पास चारों तरफ देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको डोर स्विच दिख जाएगा, जिससे आपको गेट खोलते हैं तो फ्रिज के अंदर बल्ब जल जाता है, और गेट लगाते हैं तो फ्रिज के अंदर बल्ब बंद हो जाता है। अब गेट खोलते हैं तो कच्चे होता है कि डोर स्विच काम होता है, गेट जब गेट खोलेंगे तो ये मेन सप्लाई जो है वो आपको बल्ब को दे देना, यानी कि डोर गेट जब खोलेंगे तो डोर स्विच का ये सप्लाई पॉजिटिव वोल्ट जो यहाँ गया है वो पॉजिटिव वोल्ट यहाँ से निकल करके बल्ब को मिलना चालू हो जाएगा। और बल्ब का चुका नेगेटिव वोल्ट पहले से ऑलरेडी मिल रहा है, अब पॉजिटिव वोल्ट जब मिलेगा तो काचे का यहाँ पे बल्ब जलना चालू हो जाएगा। अब होता है कि ये तो डोर स्विच काम हो गया, जब गेट लगाते हैं तो फिर से वोल्ट देना बंद कर देता है तो बल्ब मेरा बंद हो जाता है, इस तरह मेरा काम करते रहता है, गेट खोलते हैं लगाते हैं। तो अब रहता है थर्मोस्टेट स्विच। थर्मोस्टेट स्विच काचे काम होता है, इसका काम होता है टेम्परेचर कंट्रोल करना। इसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे पूरा डिटेल्स में। थर्मोस्टेट काम का चीज होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल करना, कितना डिग्री कम होता है मिनिमम, ये जो है आपको -5 डिग्री सेल्सियस पर ये ऑफ हो जाता है और 13 डिग्री सेल्सियस पर ऑन हो जाता है। ये काम करने तरीका इसका, एक टेम्परेचर फिक्स किया गया है जैसे गीजर में रहता है, सभी चीज़ में दिया हुआ रहता है, लगभग लगभग हर एक कंपोनेंट में दे ले रहेगा जहाँ टेम्परेचर कम होता है। इसमें आपको -5 डिग्री सेल्सियस ऑफ हो जाना और 13 डिग्री सेल्सियस पर ऑन हो जाना, इस तरह ये काम करता है। जब देखते होंगे जैसे फ्रिज ठंडा होता है और ठंडा होने पर ऑटोमेटिक फिर बंद हो जाता है और फिर चालू भी हो जाता है, तो ठंडा होने पर ऑटोमेटिक जब बंद होता है यही लाइन काटता है, यानी काची करता है। जब ठंडा नहीं है फ्रिज तो ये काची करता है थर्मोस्टेट, यहाँ से लाइन आउटपुट देता है, यानी जो यहाँ पर इनपुट दिए हैं ये अंदर ही अंदर काची करता है, दो पॉइंट बना हुआ रहता है और यहाँ से निकलेगा, जो बीच में आपको ब्लोवर वगैरह लगा करके बनाया था, जो थर्मोस्टेट स्विच के बारे में स्पेशल एक अलग वीडियो बना देंगे तो उसमें समझ में पूरा आ जाएगा। इसे काची का मुझे जो मेन सप्लाई दिए हैं, यहाँ जब निकलेगा सप्लाई तो ओएलपी पे चल जाता है और बहुत में ओएलपी नहीं भी देता है। ओएलपी काची का मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर, इसका काम काची होता है अधिक लोड ले रहा है, अधिक लोड लेगा तो गर्म होगा कंप्रेसर, गर्म होगा तो ओएलपी काची करता है, कंप्रेसर खराब होने से बचा लेता है, ये ट्रिप कर देता है, लाइन को काट देता है, यानी कि आगे वोल्ट नहीं बढ़ने देता, अगर लाइन बढ़ने देगा तो यहाँ पर कंप्रेसर चलते रहेगा। तो ओएलपी काची का मतलब ओएलपी पर दिए सप्लाई, अब यहाँ से निकलेगा तो डायरेक्ट ये कंप्रेसर चल जाएगा, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव वोल्ट यहाँ पहले दिए, यहाँ से निकला थर्मोस्टेट स्विच से पॉजिटिव वोल्ट ओएलपी में गया, ओएलपी से निकला प्लस वोल्ट तो कंप्रेसर में गया, इस तरीके का चीज किया फ्रिज को चालू कर देता है।
अब फ्रिज अधिक ठंडा करने के बाद काचे करता है ये, सबसे पहले थर्मोमीटर स्विच लाइन करता है, कितना डिग्री पर, मिनिमम -5 डिग्री सेल्सियस पर ये लाइन काटता है। उसके बाद काचे करता है, जब लाइन काट दिया तो आधा घंटा हो, 20 मिनट हो, 30 मिनट, जितना देर पे हो, जब टेम्परेचर देखता है मिनिमम पे, यानी कि टेम्परेचर उसका घटा है, पॉजिटिव गया है, तो 13 डिग्री सेल्सियस पर काचे करता है, फिर से ये चालू करता है। ऐसे -15 डिग्री सेल्सियस तक भी काम करता है, डबल डोर में काचे करता है, -10 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करता है, जहाँ बर्फ जमाना रहता है, तो उस समय आपको इस तरह से सेट किया था थर्मोस्टेट स्विच को, इसको सेलेक्ट करने के लिए बहुत में आपको नॉर्मल मिनिमम मैक्सिमम लिखा हुआ रहता है, बहुत में 1 2 3 4 5 6 7 लिखा होता है, बहुत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा हुआ रहता है, तो फुल पकड़ते हैं सेट तो आपको काफ़ी ज़्यादा देर तक ठंडा करते रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी ठंडा करेगा, काफ़ी देर तक ठंडा करते रहेगा, ये चीज़ होता है। अब इसमें कोई पूछेगा जैसे फ्रिज का बल्ब नहीं जल रहा, फ्रिज का बल्ब नहीं जल रहा तो काजे फॉल्ट होगा, कंप्रेसर चल रहा फ्रिज का बल्ब नहीं जला, यानी कि माइनस वोल्ट तो मिल रहा, इसको मिला वायर जल्दी ख़राब नहीं होता, पॉजिटिव वोल्ट जाएगा यहाँ से डोर स्विच में, डोर स्विच से निकल के बल्ब में, यानी खराब होने इसमें चांस है, कंप्रेसर चल रहा यानी कि माइनस प्लस वोल्ट इसको मिल रहा, यानी कि खराब होने का चांस है, बल्ब खराब हो जाए, डोर स्विच खराब, यानी डोर स्विच खराब होगा, होल्डर खराब होगा, यानी 3 सेकंड से ज़्यादा चीज़ खराब हो ही नहीं सकता यहाँ पर, शॉर्ट सर्किट लगेगा तो जाकर यहाँ पर वायर खराब हो सकता है, यानी 3 सेकंड से ज़्यादा खराब नहीं होगा, बल्ब हो सकता है, होल्डर हो सकता है, डोर स्विच खराब हो सकता है, ये तीनों चीज़ चेक करिएगा आपका बल्ब सही हो जाएगा। कोई बोले कंप्रेसर नहीं चल रहा और बल्ब जल रहा, यानी कि सप्लाई मिल रहा है, सप्लाई आ रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, बल्ब जल रहा है, इसका मतलब है कि थर्मोस्टेट स्विच या तो ख़राब हो सकता है जो लाइन आउटपुट नहीं दे रहा, हो सकता है अगर ये आउटपुट दे रहा तो एलपी नहीं दे रहा हो, ये भी ख़राब हो सकता है, हो सकता है रिले यहाँ पर L1 L2 लगा हुआ रहता है, ये खराब हो सकता है, अगर वो भी सही है तो कंप्रेसर खराब हो सकता है, जो ये सब चेक करने के तरीका आगे बतलाएंगे, अगर जानते हैं पहले तो कोई बात नहीं है, आपको वायरिंग समझ गए पूरा, यह वायरिंग अगर याद रखते हैं तो सिंगल डोर फ्रिज के जितना भी वायरिंग रहेगा लगभग लगभग सारा चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। अब इसी तरह पार्ट बाय पार्ट आगे करके बनाते जाएंगे। ये आपको बिहार टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ आपको एसी फ्रिज वाशिंग मशीन गीजर आरो सभी तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है, जो मीठापुर बस स्टैंड पटना में स्थित है, आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं BTTCPatna.com, यानी कि BTTCPatna.com, ये सारा कुछ मिल जाएगा, जस्ट डायल पे भी गूगल पर सर्च मारने पर आपको सारा डिटेल्स आ जाएगा।